यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान, विशेष सैन्य अभियान शुरू करना कठिन फैसला। रूस पर प्रतिबंध पर बोले पुतिन, कहा रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा, कीव ने रणनीति के तहत घेराबंदी की। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम पूरा। युद्ध में यूक्रेन को झटका, फाइटर कैप्टन चाइभिनियव की रूसी हमले में गई जान। अमेरिका से वापस आएंगे रूसी दूतावास के अधिकारी, विशेष विमान से लौटेंगे राजनयिक। रूस की ओर से बड़ी खबर, मारियोपोल और वोल्नोवाखा में युद्ध विराम। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़ा फैसला, नागरिकों के निकलने तक नहीं करेंगे हमला। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की कोशिशें जारी, भारत सरकार ने तेज किए प्रयास। रूस के फैसले से यूक्रेन में फंसे लोगों को मिली राहत, जल्द से जल्द लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकाला जाएगा बाहर। पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, युद्ध हालातों का लेंगी जायजा। यूक्रेन के मीडिया का बड़ा आरोप, रूस ने युद्ध विराम तोड़ा, मारियोपोल में कर रहा है बमबारी। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जारी किया वीडियो। रूस और बेलारूस पर यू की बड़ी कार्रवाई, बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद ने किया गया निलंबित। रूस में ब्रिटेन के नागरिकों को सलाह, जरूरत पड़े तो रूस छोड़ दे ब्रिटिश नागरिक। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप, नेटो और रूस में युद्ध बढ़ाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, जंग में फंसे छात्रों को निकालना चाहते हैं लेकिन रूस बमबारी नहीं रोक रहा। देश के लिए जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लौटे दूसरे देशों में रह रहे 66,000 नागरिक, अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार। खेरसौन में निहत्थे यूक्रेनी लोगों ने रूसी सेना का रास्ता रोका, मिलिट्री ने किया हवाई फायर। यूक्रेन का बड़ा दावा, 39 फाइटर प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर गिराए। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 10वां दिन, कीव पर रूस कर सकता है फाइनल हमला। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा राष्ट्रपति भवन पर रूसी रॉकेटों ने किया हमला। नो फ्लाई जोन को लेकर अमेरिका ने दिया बयान, कहा यूरोप में बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है यूक्रेन में नो फ्लाई जोन। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने पर भड़के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, नेटो के फैसले की निंदा की। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तेज किया वार, रूस ने ओडेसा का एक पुल भी उड़ाया। रूस ने यूक्रेन पर 7 दिन में 500 से ज्यादा रॉकेट दागे, रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल को घेरा। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगी हथियारों की मदद, टैंक पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर मांगे। यूक्रेन की मदद को लेकर जर्मन रक्षा मंत्रालय ने दिया बयान, कहा कई हथियार शिपमेंट के लिए है तैयार। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरी बार बातचीत की बनी संभावना, कल हो सकती है तीसरे दौर की वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज करेंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ वर्चुअल मीटिंग। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच सैमसंग कंपनी का बड़ा फैसला, अब रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग। सोशल मीडिया को लेकर भी रूस में जंग जारी, रूस ने अब यूट्यूब पर भी लगाया बैन। फेसबुक और ट्विटर पर रूस में पहले ही लग चुका है बैन, सोशल मीडिया कंपनियों में रूस को लेकर नाराजगी। मेटा ने लिया बड़ा फैसला, रूस यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में रोका काम, कोका कोला ने भी किया रूस का बहिष्कार। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा एक और विशेष विमान, ऑपरेशन गंगा के तहत चलाया जा रहा है रेस्क्यू मिशन।
रोमानिया के सुसेवा से कराई गई छात्रों की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज देकर छात्रों का किया गया सम्मान। स्पेशल फ्लाइट से छात्रों का एक दस्ता पहुंचा मुंबई, सभी के चेहरों पर दिखी वतन वापसी की खुशी। ऑपरेशन गंगा के तहत 80 फ्लाइट्स की गई तैनात, छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, रेजजो, सुसेवा और कोसी से के रास्ते से लाए जा रहे हैं भारतीय। युद्ध के बीच यूक्रेन को सफलता, यूक्रेन ने जयपुरिज्जा न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना। यूएस से रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा भाड़े के लड़ाके भेज रहा है रूस। कीव को आत्मसमर्पण पर मजबूर करने की रूस की तैयारी, शहर की सप्लाई चेन को रूस ने काटा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले की 2 विधानसभा सीट पर की अलग अलग जनसभा, विपक्ष पर बोला हमला। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने ली चुटकी, कहा एक ज्योतिष ने मुझे बताया 25 साल तक अखिलेश के भाग्य में नहीं है राजयोग। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसंपर्क रैली में शामिल हुई, मांगा कांग्रेस के लिए समर्थन। दिशा सालियान सुसाइड केस में मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार संविधान के अनुसार नहीं कर रही काम। यूपी में 7वें अंतिम चरण के लिए मतदान के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार, कैंपेन के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। शाम 5 बजे तक सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार, पीएम मोदी और अखिलेश के साथ राहुल गांधी ने भी की ताबड़तोड़ रैलियां। 7 मार्च को यूपी में होगा आखिरी चरण का मतदान, यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सातवें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, इन इलाकों में 2017 में बीजेपी ने 75% सीटों पर जमाया था कब्जा। 7वें चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी होगा मतदान, अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी इसी दिन होगी वोटिंग। वाराणसी में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विपक्षियों पर साधा निशाना। अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का चुनावी हमला, बोले एसपी सिर्फ दंगे कराने में है माहिर। दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी साधा निशाना, बोले परिवारवादी जो बोलते हैं करते नहीं। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जताया बीजेपी का विश्वास, कहा एनडीए का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता भी है। एनडीए के कार्यकर्ता जब भी मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो वो हमेशा कहता है कि मैंने ये कहा था, ये मैंने किया है। निगम चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने की बैठक, करीब 2 घंटे तक हुई चर्चा। बैठक में दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी हुए शामिल, राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दी सलाह। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव, काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। यूपी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4 राज्यों में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार।
शाह ने की योगी की तारीफ, कहा योगी के नेतृत्व में क्राइम हुआ कंट्रोल, यूपी में अब महिलाएं लड़कियां करती हैं खुद को सुरक्षित महसूस। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले भ्रष्टाचार के एक भी आरोप के बगैर यूपी में हमने चलाई सरकार। पंजाब चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आए गृहमंत्री शाह, बोले पंजाब में हम हैं गठबंधन के सबसे बड़े नेता। मणिपुर को लेकर शाह ने किया दावा, अपने बूते हम बनाने जा रहे हैं सरकार। यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर मांगा वोट। सीएम योगी ने बेटियों से जुड़ी योजनाओं को लेकर बताई भविष्य की योजना, कहा सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के लिए करेंगे 1,00,000 रुपए देने की व्यवस्था। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए देंगे, इस राशि को बढ़ाकर 1,00,000 करने का भी हमारा विचार है। सीएम योगी ने युवाओं को दिलाया भरोसा, बोले अगले 5 सालों में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी सरकार। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को भाइयों बहनों नौकरी रोजगार अथवा सफल रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। मणिपुर में दूसरे अंतिम चरण के मतदान हुआ खत्म, 22 सीटों के लिए हुई वोटिंग। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लगने लगी कतार, चुनाव के इस महापर्व पर लोगों ने दिखाई भागीदारी। मणिपुर के 6 जिलों के लिए हुआ मतदान, 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का होगा फैसला। 1247 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग, कोविड प्रोटोकॉल का भी किया गया सख्ती से पालन। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 20,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा में किया गया है तैनात। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी जनता दल यूनाइटेड, बिहार और पूर्वांचल के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले माता के दरबार में पहुंचे सीएम चन्नी, कामाख्या मंदिर पहुंचकर की पूजा पाठ। मुंबई से सटे भांडू के मॉल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण, इंडिया नेवी के वॉरशिप्स के साथ सटीक निशाना साधा। तमिलनाडु से लगी समुद्री सीमा में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड ने जारी की चेतावनी, समंदर में बन रहे दबाव के चलते किनारे पर आने या फिर शेल्टर लेने की सलाह। चंडीगढ़ में 22 किसान संगठनों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर जताया रोष। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया इंटरनेशनल समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ। पुणे के प्रोफेसर ने पेश की मिसाल, घर की छत पर बनाया ऐसा गार्डन जहां पर तितलियों का लगता है मेला, लोगों ने दिया बटरफ्लाई गार्डन का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया। पहले चरण में किडनी प्रत्यारोपण के लिए गंभीर रोगियों को मिलेगी प्राथमिकता, अगले महीने से ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की है उम्मीद। सेंट्रल रेलवे की बाहुबली महिलाओं ने पेश की नारी सशक्तिकरण की मिसाल, 10 महिलाओं वाली अहिल्या गैंग करती है ट्रेन इंजन और बैटरी बॉक्स के मरम्मत का काम। उत्तराखंड में 8 और 9 मार्च को मनाया जाएगा वसंत उत्सव, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। यूपी में आखिरी चरण के मतदान से पहले वाराणसी के 80 घाट पर बीएचयू के एनएसएस स्वयंसेवकों ने मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने की बनाई मानव श्रृंखला। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई के बहुचर्चित आर्य कॉलोनी में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में दूसरी कक्षा का छात्र पहुंचा पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की जिद पर अड़ा रहा छात्र। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार बैटिंग, 574 रनों पर घोषित की पहली पारी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खेली नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी, ऋषभ पंत ने बनाए 2096 रन और अश्विन और हनुमा विहारी ने भी जड़ा अर्धशतक।
नौवे विकेट के लिए रविंद्र जडेजा ने मोहम्मद शमी के साथ 103 रनों की साझेदारी। मोहाली में जडेजा ने अपने करियर का जड़ा दूसरा शतक। 175 रनों की पारी में जडेजा ने 228 गेंदों का किया सामना, लगाए 17 चौके और 3 छक्के। दूसरे छोर पर अश्विन ने भी 8 चौकों की मदद से बनाए 61 रन। पहली पारी में लड़खड़ाई श्रीलंका की बल्लेबाजी, 108 रनों पर गवाए 4 विकेट। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जडेजा और अश्विन का कमाल, अश्विन ने 2 और जडेजा बुमराह ने चटकाए 1-1 विकेट।